गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर द एडवर्ब्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर सो सबसे पहले तो वर्ब क्या होता है वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स तो अभी हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में एंड एडवर्ब मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इट टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन इट मॉडिफाइज़ द मीनिंग ऑफ अ वर्ब का मतलब कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है वी कैन ऑल्सो कॉल दैम हाउ कैसे वैन कब एंड कहाँ वेयर वर्ड्स दे टेलर्स हाउ एन एक्शन इज डन वो हमें बताते हैं एक्शन कैसे हो रहा है वैन इट इज़ डन कब हो रहा है एंड वेयर इट इज़ डन और कहाँ पे हो रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर टेलर्स हाउ एन एक्शन इज डन तो एडवर्ब ऑफ़ मैनर हमें बताता है कि एक्शन कैसे हो रहा है हाउ का मतलब कैसे हो रहा है एग्जाम्पल हैप्पीली बहुत ज़्यादा खुशी के साथ सैडली फास्ट लाउडली स्लोली काइंडली तो इससे हमें पता चलता है कि एक्शन कैसे हो रहा हैप्पीली सैडली फास्टली तो ये क्या है ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है बिकॉज एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताता है कि एक्शन कैसे हो रहा है देन द गर्ल इज सिंगिंग स्वीटली तो द गर्ल इज़ सिंगिंग स्वीटली क्या होगा इट इज़ अडवर्ब ऑफ मैनर द गर्ल इज स्माइलिंग हैप्पीली गर्ल बहुत ही खुशी से स्माइल कर रही है शी इज स्माइलिंग हैप्पीली सो हैप्पीली इज़ ऑल्सो अडवर्ब ऑफ मैनर वी ऑफन एड एड हम हमेशा ऐड करते हैं एल वाई टू एडजैक्टिव टू चेंज दैम इन टू एडवर्ब्स ऑफ मैनर तो हम एडजैक्टिव्स में क्या ऐड कर देते हैं एल वाई ऐड कर देते हैं जैसे उनको हम चेंज कर सकें कि एक्शन कैसे हो रहा है ये बताने के लिए हाउ एन एक्शन इज डन तो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर में चेंज करने के लिए ऐड कर देते हैं एल वाई फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं स्लो प्लस एल वाई तो यहाँ पे स्लोग इज़ एन एडजेक्टिव और इसमें क्या ऐड हो गया एल वाई ऐड हो गया तो ये बन गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया एल वाई को ऐड कर दिया सेकेंड वन इज़ हैवी तो हैवी में भी हमने एल वाई ऐड कर दिया तो ये हो गया हैवी ली सो ये भी हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर थर्ड वन इज़ केयरफुल केयरफुल इज़ एन एडजेक्टिव इसमें भी हमने प्लस एल वाई एड किया तो ये हो गया स्लोली तो ये भी स्लोली मतलब धीरे तो इसमें भी हमें पता चल रहा है कि एक्शन कैसे हो रहा है स्लोली हो रहा है क्विकली तो इसमें भी क्विकली में एल वाई ऐड हो गया तो इसमें भी हमें पता चल रहा है एक्शन कैसे हो रहा है क्विकली हो रहा है स्लोली हो रहा है केयरफुली हो रहा है कैसे हो रहा है एक्शन तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे केयरफुल का यहाँ पे स्लोली हो गया तो आपको कट करके वो मिस प्रिंट है तो आप इसको कट करके केयरफुली कर देंगे ए आर ई एफ यू एल वाई केयरफुली कर देंगे और उसके बाद हम आते हैं नोट मैनी एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड आर फॉम्ड बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव्स तो एडवर्ब्स कैसे बनते हैं जब हम एडजेक्टिव्स में क्या ऐड करते हैं एल वाई को ऐड करते तो फॉर्म होता है एडजेक्टिव सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है नॉइजी तो इसका हो जाएगा नॉइजिली क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड हो गया एल वाई ऐड हो गया वाई को हटाकर कर एल वाई ऐड हुआ मतलब एस के बाद आई एल वाई एड हो गया एडजैक्टिवस डेट एंड्स विद एल ई आफ्टर अनादर कॉन्सोनेंट देन वी एड एल वाई जो एडजेक्टिव्स एल ई से एंड होते हैं तो उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं एल -E ई को हटाकर हम ऐड करते हैं एल वाई उसमें से एल ई रिमूव हो जाता है और क्या ऐड हो जाता है एल वाई किसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद यहाँ पे कोई वॉवल नहीं दिख रहा है हमें बी इज अ कॉन्सोनेंट है ना तो इसीलिए उसमें हमने एल वाई को ऐड कर लिया नाउ कम टू पेज नंबर ट्वेंटी नाउ हेयर इट इज़ रिटन एडवर्ब वर्ब टेल्स अस अबाउट हाउ द एक्शन ऑफ अ वर्ब टेक्स प्लेस तो जो एक्शन है वो कैसे टेक प्लेस मतलब वो कैसे जगह ले रहा है वहाँ पे मीना और रंस स्लोली मीना कैसे भाग रही है स्लोली भाग रही है धीरे भाग रही है तो इसीलिए यहाँ पर जो स्लोली है वो क्या है एडवर्ब है हाउ द एक्शन ऑफ अ वर्ब टेक्स प्लेस तो एक्शन कैसे टेक प्लेस हो रहा है मतलब कैसे हाउ का मतलब होता है कैसे शी वॉक्स एवरी वो रोज़ वॉक करती है वेन द एक्शन ऑफ अ वर्ब टेक्स प्लेस यहाँ पर हमने कैसे की बात करी थी और ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है हाउ में हमने पढ़ा कि एक्शन कैसे हो रहा है वैन में हम पढ़ रहे हैं एक्शन कब हो रहा है वेयर वेयर में हम पढ़ेंगे एक्शन कहाँ हो रहा है हाउ का मतलब कैसे वैन का मीन्स है कब और वेयर का मतलब कहाँ वेयर द एक्शन ऑफ अ वर्ब टेक्स प्लेस तो ये एक्शन कब हुआ फास्ट स्लोली सैडली क्विकली हाउ मतलब कैसे हुआ टाइम वैन में हम टाइम बताते हैं. आज हुआ कल पर हुआ परसों हुआ और एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम बताते कहाँ हुआ हेयर देयर निहर बिहाइंड या फिर अपस्टेयर्स तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू अवर एक्सरसाइज नंबर ए ऑफ पेज नंबर ट्वेंटी टिल देन यू हैव टू रिमेंबर वॉट वी हैव स्टडीड इन टूडेज चैप्टर